सर। राष्ट्रपति जी का जवाब आ गया है। उन्होंने तुम्हारी माफी की अपील को खारिज कर दी। तुम्हें फांसी होगी। फांसी का वक्त कल सुबह 6 बजे का तय किया गया है। मैं तुम्हारी वाइफ को तुमसे मिलने की परमिशन दे दूंगा। कल की तारीख तय की गई। मैंने दोष उठा, आपके एरिया का एमएलए होने के नाते मैं आपको यह बता दूं कि ऐसा कदम उठाकर हम अपने देशवासियों की सुरक्षा का पुख्ता इंतजाम कर रहे हैं, क्योंकि ऐसे लोगों को फांसी देकर हम हर मुजरिम को सबक दे रहे हैं। ऐसे किसी भी वैश्य इंसान को इस तरह निर्मम हत्याएं करने के लिए खुला नहीं छोड़ा जा सकता है। मैं कमिश्नर साहब, उनकी पूरी काबिल टीम और न्यायपालिका को धन्यवाद देता हूं कि उन्होंने इस तरह के इस केस को इतनी जल्दी सॉल्व किया और न्याय दिलवाया। सिंह, अपन को माफ कर दो सिंह, अपन ने ये नहीं किया, पर सच्ची अपन ने ये नहीं किया। और अपन को जब याद ही नहीं तो अपन कैसे कर सकता। वह तो अपन ने सिर्फ लाशें देखी थी। जानते हो आप ऐसा कभी नहीं कर सकते, कभी नहीं। आप किसी की जान नहीं ले सकते। लेकिन कोई नहीं मानेगा, सब खत्म हो गया है। हे भगवान, कोई तो हमारी मदद करो। इस दुनिया में कोई तो होगा जो हमारी मदद करेगा। सीमा, अंदर लोग कहते हैं कि अगर यमराज से बचना है तो ETF और अर्जुन ही तुम्हें बचा सकता है। वही मेरे लिए कुछ कर सकता है। आयशा, वो हमारी मदद कर सकती है। मैरी क्रिसमस एवरीवन। मैरी क्रिसमस सर। कम ऑन, हैव द केक। मैरी क्रिसमस सर। केक। मैरी क्रिसमस छोटू। Merry Christmas. Excuse me, sir. मैं श्री यार, क्या हुआ ना? हाँ, इस साल मेरे अच्छा नो काम, बस आ रहा हूँ और पार्टी करेंगे। वो क्या है ना कि नए साल तक एक भी केस नहीं आना चाहिए, फिर ना बहुत मजा करेंगे। छोटू, वो देख, नई केस की एंट्री। संभालिए अपने आप।
टूट नहीं सकती। ऋषभ, मेरे पास बस कुछ ही घंटे बचे हैं, सब कुछ खत्म हो जाएगा। मैं अपने पति को हमेशा के लिए खो दूंगी। अतुल कहता है कि अगर ETF के अर्जुन जी इस केस को दोबारा देखे तो हमें जरूर मदद मिल सकती है। देखिए, मैंने ETF अभी अभी ज्वाइन किया है, लेकिन मैं पूरी कोशिश करूंगी। आई प्रॉमिस। मुझे एक बार अर्जुन जी से मिलवा दो बस। मैं तुम्हारे प्लीज ऐसा मत कीजिए। क्या बात है, आप मुझसे क्यों मिलना चाहती थी? साहब, मैं अतुल दांडेकर की पत्नी हूँ। अतुल दांडेकर जिसे फांसी होने वाली है। साहब, मेरा पति बस आपका ही नाम लेता है। वो कहता है ETF के जो अर्जुन जी है ना, बस वही उसकी जान बचा सकते हैं। उसकी आखिरी उम्मीद आप ही है साहब। देखिए, अदालत में अतुल दांडेकर को एक कातिल घोषित किया जा चुका है। एक साल से एक केस चल रहा है। इस हिसाब से मैं आपकी कुछ मदद नहीं कर सकता, फिर भी मैं देखता हूँ मैं क्या कर सकता हूँ। मेरा पति चोर हो सकता है, मुजरिम भी हो सकता है, लेकिन साहब किसी की जान नहीं ले सकता। वो कभी नहीं ले सकता। मैं पुलिस के आगे कितना रोए, कितना गिड़गिड़ाए, पुलिस ने मेरी कोई मदद नहीं की साहब। पुलिस का पूरा ध्यान अतुल और उसकी गैंग पर था, और एनकाउंटर में सब लोगों को मरवा डाला, और उसका झूठा इल्जाम मेरे पति पर लगा दिया साहब। मेरे पति तो कभी हथियार भी नहीं रखता था अपने पास, और उस घटना में जितने भी लोग मारे गए सबकी गोली मारकर हत्या हुई साहब, गोली मारकर। हाँ, उसे मैंने कभी हथियार के साथ नहीं पकड़ा। अर्जुन साहब, बस आप ही हमारी मदद कर सकते हैं साहब, वरना मेरे बेकसूर पति को कल फांसी पे लटका दिया जाएगा साहब। देखिए, मैं कोई वादा तो नहीं कर सकता, लेकिन जो कुछ भी हो सकता है मैं वो करूंगा। धन्यवाद साहब। अतुल दांडेकर को मैंने एक दो बार अरेस्ट किया था, तब उसकी वाइफ की मदद भी की थी फाइनेंशियली, यू नो, क्योंकि जब अतुल जेल में था तो उसकी वाइफ की हालत बहुत खराब थी। आज वो मुझसे मदद मांगने आई है क्योंकि मैं ETF में हूँ। बट आई टोल्ड हर कि ETF मैंने अभी अभी ज्वाइन किया है। मुझे अभी ये तो नहीं पता कि हम उसकी मदद कैसे करेंगे, लेकिन अगर वो बेकसूर है तो मैं कोशिश जरूर करूंगा। मुझे याद है वो एक डरपोक किस्म का चोर था, किसी की जान नहीं ले सकता। इनफैक्ट उसके गैंग में दो और लोग भी थे। मैं खुद उसका केस एक बार और चेक करती हूँ, और आपसे भी रिक्वेस्ट करती हूँ कि एक बार खुले दिमाग से इस केस को देख लीजिए, और उसके बाद जो भी डिसीजन लेना है ले सकते हैं। हमें एक दोषी को निर्दोष साबित करना है। सर, हमारे पास टाइम नहीं है, कल सुबह उसे फांसी दे दी जाएगी। जो भी करना है हमें आज रात को ही करना होगा। एक बंद केस को क्यों खोलना चाहते हो तुम लोग? एक ओपन और शट केस था, इसमें डाउट की कोई भी गुंजाइश नहीं बची थी। हमारा काम हमेशा किसी को दोषी साबित करना होता है राठौर, लेकिन आज निर्दोष। अगर वो सही में निर्दोष है तो ठीक है, इस केस को हम एक बार फिर से ETF की नजर से देखते हैं, और अगर इसे एक निर्दोष की जान बचती है तो उसकी जान बचाना हमारा फर्ज है। एक भी इल्जाम पास नहीं होते लोगों को मारने की है, एक पूरे का पूरा परिवार। इसलिए शायद इन्हें यह लगा कि एक डरपोक इंसान ऐसे ब्रूटल काम कैसे कर सकता है। अतुल के गैंग में कितने लोग थे? दो और थे सर। और वो दो तो उससे भी बदतर थे, डरते थे अतुल से। ये काम तो वो दोनों भी नहीं कर सकते थे,
अतुल ने मेरी बात इसलिए मानी थी क्योंकि वो पुलिस टॉर्चर से डरता था, इसलिए झट से एक केस में इन्फॉर्मर भी बन गया था। ईटीएफ की जरूरत तो पड़ेगी राठौर, क्योंकि उसके गैंग में 3 लोग थे लेकिन फिंगरप्रिंट्स सिर्फ एक आदमी के थे, अतुल। कहीं कुछ छूट रहा है राठौर। ये देखो राठौर, हमें वहां जाना होगा। क्यों, कुछ मिला क्या? टाइम बहुत कम बचा है छोटू, इसलिए हमें 2 हिस्सों में बट के काम करना होगा। मैं और श्री मर्सी विला जाएंगे जब वो हत्या आएगी। श्री इंस्पेक्टर शिंदे को भी वहीं बुला, वही आदमी है जो इस केस की तहकीकात कर रहा था, इस केस के बारे में सबसे ज्यादा वही जानता है। सर मैं कमिश्नर साहब को फोन करता हूँ, देखता हूँ वो क्या मदद कर सकते हैं। सर मर्सी विला में सारे परिवार का कत्ल कर दिया गया था, लेकिन हाँ परिवार के सबसे छोटे बेटे मार्टिन गोम्स, उसकी लाश नहीं मिली थी सर। पुलिस रिपोर्ट्स में पढ़ा था मैंने कि शायद उसे कहीं और मारा गया। मुझे इस अतुल डांडेकर गैंग के बारे में सारी इन्फॉर्मेशन चाहिए। ओके सर। शुरू तो अतुल ने किया और वो चोरी ही करते थे। जो दरवाजा पुलिस ने तोड़ा, इसको तोड़ के अंदर घुसी और ये ताला भी पुलिस ने ही लगवाया। जय सर। बैन कांस्टेबल कदम। शिंदे नहीं आया सर? कुछ महीने पहले शिंदे साहब का ट्रांसफर हो गया, पोस्टिंग भी अच्छी हुई है, मैं इस केस का हिस्सा था इसलिए मैं आ गया। शिंदे इस केस में शुरुआत से लेकर एंड तक इन्वॉल्व थे? जी सर, शुरू से अंत तक शिंदे साहब थे। तो तुम पहली बार इस घर में आए थे, तुमने जो जो देखा सब साफ बताओ। सर यहाँ का नजारा बहुत ही घिनौना था, चारों तरफ खून ही खून था। कदम। हो साहब। फॉरेंसिक टीम को बुला। जी सर। अर्शद। जी। मीडिया को अंदर बताने देना। तो शिंदे सर ने आवाज लगाई। कदम। फिर हम सब उनकी तरफ भागे। ये अतुल है ना, अतुल दांडेकर। अरे दरवाजा तुम ही लोगों ने तोड़ा। सर चोरों ने दरवाजा अंदर से बंद कर रखा था इसलिए तोड़ना पड़ा। अरे ताला भी तुम्हीं ने लगाया। जी सर। खोलो इसे। अतुल डांडेकर गए, इन लोगों का कामयाबी का कारण इन लोगों का प्लानिंग था सर, लेकिन मकसद हमेशा चोरी। और जो लोग यहाँ रहते थे मिडिल क्लास थे सर, लेकिन कत्ल से पहले इन लोगों को पैसों की बहुत प्रॉब्लम हो रही थी। कदम। जी सर। क्या क्या चोरी हुआ था इस घर से? सर कुछ कैश गिरा था, टीवी कंप्यूटर और कैमरा वगैरह। उस दिन के बारे में आप लोगों को कुछ भी याद नहीं है, थोड़ा थोड़ा याद आ रहा है। वो मर्सी विला के गार्ड ने अपन को फोन किया था साहब, उसी से मिलने गया था। इस तरह की हर एक टिप को फॉलो करते थे तुम? हाँ साहब, अपन का फोन नंबर बहुत कम लोगों के पास होता था, कुछ गैंग मेंबर्स और इक्का दुक्का ऑफिसर्स के पास, इसीलिए अपन के लिए हर फोन कॉल काम का होता था साहब। और किसी भी घर का टिप मिले तो अपन उधर जाके उधर का काम करता था साहब। शिंदे साहब को बताने का बहुत कोशिश किया लेकिन वो माना ही नहीं।
बहुत मारा साहब। मार्टिन कहाँ है? हाँ? मार्टिन कहाँ है? मर्सी विला में घुसा ये तो याद है, लेकिन उसके बाद अपन को चोट कैसे लगी और अपन दरवाजे के पास कैसे पहुंचा? अपन को कुछ नहीं याद साहब, अपन को कुछ नहीं याद। तू जितना जल्दी सच बोलेगा ना तेरे लिए अच्छा होगा, वरना और भी कई हथकंडे आते हैं हमें सचो करवाने के। साहब वो आप ही अपन को बचा सकते हो, अपन ने किसी को नहीं मारा, अपन बिल्कुल निर्दोष है साहब, अपन निर्दोष है। सर इसमें एक सेफ थी जिसे हथौड़े वगैरह से तोड़कर खोला गया था, जब हम अंदर आए तो ये पूरी खाली थी। करण जी आप क्या आपके ऑफिसर्स को अतुल डांडीकर के काम करने का तरीका पता सके? जी नहीं। चलो ये लोग छोटे मोटे चोर थे, बस गहने और पैसे चुराते। आयशा ने भी बताया था कि अतुल सेफ खोलने में एक्सपर्ट था, अगर ऐसा था उसने सेफ को हथौड़े से क्यों तोड़ा, और तोड़ने के बाद इलेक्ट्रॉनिक आइटम चुरे। तो जीता सर सेफ पर उसकी ही उंगली निशान थे। अतुल के साथ और कितने लोग घुसे थे इस घर में? सर जहां तक मुझे पता है दो लोग और थे। तो ये बताने की जहमत उठाएंगे कदम जी की सिर्फ अतुल की उंगलियों के निशान इस घर पे क्या कर रहे हैं, और बाकी दोनों की उंगलियों के निशान कहां गए? सर मैंने तुम्हारी रिपोर्ट नहीं पढ़ा इसीलिए मैं इस घर पे आना चाहता था श्री। ऐसी कई चीजें हैं इस केस में जिसको नजरअंदाज किया गया है, जैसे अतुल की उंगलियों के निशान जो सेफ में भी थे, किचन में भी, फिर बाथरूम में भी। जब सारा सामान उसने चुराया है तो निशान भी उसी के होंगे ना सर? तुम्हारे हिसाब से एक आदमी इस घर के अंदर आया, सब कुछ चुराया, चोरी का सारा सामान बाहर भेजता है और खुद को इस कमरे के अंदर लॉक कर दिया, क्यों? ताकि शिंदे और कदम साहब आएंगे उसे अरेस्ट करके लेके जाए। सोच समझ के बोल रहे हो कदम या यूं ही? और उसकी टीम ने कांता मामा से बात की? कांता मामा? किस तरह की इन्वेस्टिगेशन करते हो तुम लोग? कांता मामा वो आदमी जो अतुल और उसकी गैंग का सारा चुराया हुआ सामान बेचता था। ये ओपन एंड शट केस नहीं था श्री, तो केस ओपन होते ही शट कर दिया गया। इस केस में ऐसी कई चीजें हैं जिन पर ध्यान नहीं दिया गया, जैसे अतुल की उंगलियों के निशान कुछ और ही कहानी बताते। यस सर। छोड़ो पता करो आज के लिए कांता मामा कहाँ रहता है। कांता मामा जो चोरी का सामान बिकवाता है? हाँ पता करता हूँ सर। सर उसके लिए शिंदे सर से बात करनी होगी। तुम्हारे शिंदे सर से हम बात कर लेंगे, फिलहाल तुम ईटीएफ ऑफिस जाओ और वहां जाके रिपोर्ट करो, और कल सुबह तक वहां से हिलना मत, समझे? या जी सर। नेवर ने पुलिस को बताया था कि इस परिवार का सबसे छोटा बेटा मार्टिन फोटोग्राफर था, ये सब उसी ने लिए। यहाँ पे एक कंप्यूटर था सर, और इस बैग में एक कैमरा। इस डब्बे में क्या है? एक बहुत ही महंगा कैमरा का डब्बा है सर, मुझे भी फोटोग्राफी का शौक था सर, ये सब मैंने बुक्स में पढ़ा। ये कैमरा का कार्ड रीडर है जो टूट चुका है, एनीवेज एविडेंस के तौर पे रखो। पुलिस ने जो इन्वेस्टिगेशन की उसमें कई सारी चीजों को छोड़ दिया गया, उन्हें फिर से क्रॉस चेक क्यों नहीं किया गया? तुमने जो अतुल के बारे में बताया वो सब तो ठीक है, लेकिन ऐसी कई सारी चीजें हैं जिनको नजरअंदाज किया गया। कामयाब चोरों का गैंग
जो आगे का दरवाजा बंद करके पीछे के दरवाजे से क्यों भागेगा? वो भी तब जब उस जगह के बारे में उन्हें बहुत अच्छी तरह पता होता है जहां वो चोरी करने वाले। चोरी क्या क्या हुआ था? सर कंप्यूटर, टीवी और शायद एक सबसे होशियार चोरों का गैंग घर से एक पुराना टीवी चोरी करता है और सामने का दरवाजा बंद करके पीछे की दीवार जो 5 फुट ऊंची है उसे फान की दूसरी तरफ डालता है और घर पे सिर्फ अतुल की उंगलियों के निशान और किसी भी आदमी के नहीं। एक डरपोक आदमी अगर चोरी करता हुआ पकड़ा जाए तो वो 5 लोगों को मारेगा नहीं बल्कि वहां से भागेगा। स्टार प्लस के ऐसे ही और बेहतरीन लम्हे देखने के लिए सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल को।